हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यार नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिस्टडी अड्डा पर। तो देखते हैं आज हम 7.2 के अंतर्गत यानी प्रश्नावली हमारी सातवीं है, उसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है हमारा 7.2। तो इसके अंतर्गत हमारे क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण जो पूरक कोण के मान यानी इसके अंतर्गत पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पहला ले लेते हैं हम, माना सपोज कीजिए एग्जांपल की तरह कि एक क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इसके अंतर्गत हमें उत्पटांग मान दिया होगा यानी फिक्स मान नहीं दिया होगा। जैसे फिक्स मान होते हैं हमारे 0, 30, 45, 60, 90, ये हमारे फिक्स मान होते हैं। लेकिन इसमें क्या नहीं दिया होगा, फिक्स मान नहीं दिया होगा, हम क्या देगा उत्पटांग मान। जैसे लिख दिया साइन 37 डिग्री, उत्पटांग मान हो गया। क्या हो गया, उत्पटांग मान। जैसे लिख दिया कोस 53 डिग्री, उत्पटांग मान हो गया। क्या हो गया, ये उत्पटांग मान। तो ऐसे उत्पटांग मान, तो देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, साइन 37 डिग्री अपॉन कोस 53 डिग्री। तो देखिए आपको इसमें से क्या करना है, जितने आपको पद दे रखे हैं उसमें से आधा यानी आधे पदों को क्या करना होगा आपको, चेंज। हमारे पास कितने पद हैं यहाँ, दो, तो दोनों में से एक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक चेंज। जिस चार होते हैं तो उसमें दो चेंज हो जाते हैं, 10 होते हैं तो 5 चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिक्स वाला चेंज नहीं होगा, बाकी के चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जैसे दोनों में से किसी को एक को चेंज करना है। अब हमें पता है पूरा कोण साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला पूरा कोण। यानी कि जो ये थीटा है वो कहाँ गया, यहाँ। तो उसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया साइन, तो साइन की जगह हो गया, इस थीटा की जगह हमारे पास कितना है यहाँ 37। क्या है, 37 डिग्री बराबर कोस का कोस ऐसे कैसे, 90 का 90। ये थीटा जो कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो हमारा भी यहाँ से कितना आ जाएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37। ठीक है, अब देखिए ये साइन 37 डिग्री कोस 90 में से 37 का कितना बच गया, 53 डिग्री। कितना बच गया, 53। या तो आप साइन 37 की जगह क्या लिख दो, कोस 53, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा है हमारे पास, या कोस 53 की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन 37। यानी दोनों में किसी का भी एक मान रख दो, जिसमें लिख दिया यहाँ साइन 37, साइन 37। तो यहाँ कोस 53 के बराबर कितना है, 37, तो मैं 53 बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस या साइन 37 लिख सकता हूँ इसके बराबर, ये चीज तो मैं लिख दिया साइन 37। अब कटिया बराबर क्या आ गया, आंसर 1। तो हमेशा ध्यान रखिए यदि उत्पटांग मान है तो उनका अधिकतम आंसर क्या आता है हमारा, 1। जब सभी चीज़ क्या हो, गुणक के अंतर्गत किसमें हो यानी इंटू के अंतर्गत, वो माइनस का चिन्ह आ गया बीच में तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, प्लस चिन्ह तो योग भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप से। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 1। जैसे दूसरी टाइप देखिए हमारे, जैसे सपोज कीजिए दूसरा पद आ गया, इसमें लिख दिया साइन 47 43 अपॉन कोस 47 डिग्री माइनस 10 41 डिग्री कोट 49 डिग्री। ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कितने पद हो गए इसमें टोटल हमारे पास, 1 2 3 4। अब चार पद हो गए तो आपको चार में से दो चेंज करने, एक तो इन दोनों में चेंज हो जाएगा एक, और एक इन दोनों में चेंज हो जाएगा एक। कोई सा भी चेंज करो जरूरी नहीं है, आपको यही करें ये भी कर सकते हैं, इसमें से भी कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया अभी जिसे लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ चूँकि बराबर, जिसमें लिखा साइन 43 डिग्री बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस क्या हो जाएगा 43 डिग्री,
फॉर्मूला के अनुसार अभी लिखा था फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा साइन 43 डिग्री बराबर कोस 90 में 43 कितना बच गया, और 47 43 कितना बच गया 47 कितना बच गया 47 ठीक है। तो यानी 47 की जगह मैं 43 लिख सकता हूँ और 43 की जगह मैं 47 भी लिख सकता हूँ। उसी प्रकार दूसरा हमारा पास क्या है, टेन 41 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा कोट 90 माइनस 41 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा टेन 41 डिग्री, यहाँ आ जाएगा कोट 90 में से 41 कितने बच गए 49 डिग्री। अब यहाँ यानी कोट 49 की जगह मैं क्या लिखता हूँ टेन 41, या टेन 41 से क्या लिख सकता हूँ कोट 49। तो देखिए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ साइन 43 अपॉन अब यहाँ कोस क्या है 47, तो 47 जगह क्या लिख सकता हूँ साइन 43, तो ये हो गया साइन 43। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, ये हो गया टेन 41 कोट 49 से क्या है हमारे पास टेन 41, मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह टेन 41। तो ये पूरा पूरा एक बार कट गया, ये भी पूरा पूरा एक बार कट गया, यहाँ एक माइनस एक बराबर बोलो क्या आ गया आंसर 0, क्या गया आंसर 0। ठीक है दोस्तों, दो टाइप हो गए हमारे, एक टाइप तो ऐसे आ सकती है, दूसरी टाइप या कि तीस टाइप देखते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जितने पद है उसमें से टोटल देखने कितने पद हैं, उन पदों में से जैसे पाँच है तो देखो पाँच फिक्स मान नहीं हुआ, यानी कि इसमें से पाँच में से आपको चार तो आप कह दिए होंगे उपटांग मान और एक दिया होगा आपको फिक्स मान। तो देखिए जैसे किसने और लिखते हैं हम अगली टाइप टेन 53 डिग्री टेन 65 डिग्री टेन 30 डिग्री टेन 25 डिग्री टेन 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री। अब देखिए आपको पद गुणे कितने, एक दो तीन चार पाँच। अब मैंने बताया था विषम वाला, यदि विषम पद हो गए तो आपको एक जरूर फिक्स दिया होगा, तो हमें पता है फिक्स दे रहा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। अब देखें बाकी एक दो तीन चार उपनाम मान है, तो आपको चारों में से आपको कितने पद चेंज करने हैं, ओनली दो, या तो इन दोनों कर लो या फिर इन दोनों को कर लो, ठीक है। तो भाई क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं फॉर्मूले के अनुसार। तो हमारा टेन क्या है, एक तो 53 क्या है 53 बराबर कोट 90 माइनस ये थीटा यहाँ आ जाएगा उठ के, तो इसका भी यहाँ आ जाएगा 53 बराबर क्या बच गया कोट 37, क्या बच गया कोट 37। तो देखिए इधर यहाँ टेन 53 से क्या लिख सकते हैं 37, या 37 से क्या लिख सकते हैं 53, एक तो यह हुई बात, पहला चेंज हो गया। दूसरा देखें एक टेन 65 डिग्री इधर क्या टेन, तो क्या जाएगा इधर कोट 90 माइनस 65 डिग्री, तुम्हारे पास क्या जाएगा कोट 90 में से 65 गए कितना बच गए 25, तो कोट 25 जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टेन, क्या लिख सकता हूँ 65 डिग्री, या 65 डिग्री मैं क्या लिख सकता हूँ कोट 25 डिग्री, आपको चेंज करने दो, ठीक है तुम करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ टेन 53, क्या लिख दिया टेन 53, दूसरा लिख दिया टेन 65, और इनका हमें फिक्स मान पता नहीं है छोड़ दिया। अब हमें पता है भाई टेन 30 का मान तो फिक्स होता है, कितना होता है 1/√3। अब देखिए यहाँ कितना है टेन 25, तो टेन 25 वाह टेन 25 क्या है एक सॉरी हाँ चलो कोई दिक्कत टेन 25 क्या दे रखा है, तो टेन 25 इधर का टेन 37। अब देखिए इधर टेन 25 बराबर में लिख सकता हूँ कोट
नब्बे माइनस 25 क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25 तो क्या हुआ कोट कितना बच गया, कोट 65 क्या बच गया, कोट 65। फिर हमारे दूसरा कितना है, 10 37 कितना है, 10 37 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 37 तो कितना बच गया, कोट कितना बच गया 53 कितना बच गया 53। अब देखिए इधर 10 25 है तो 10 25 में क्या लिख सकता हूँ, कोट 65 क्या लिख सकता हूँ, कोट 65। या 10 37 में क्या लिख सकता हूँ, कोट 53। या फिर कोट 53 और कोट 65 की जगह में क्या लिखता हूँ, 10 25 भी लिखता हूँ, 10 37 भी, यानी इनकी जगह ये भी लिख सकता हूँ और इनकी जगह ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं 10 25 क्या लिख सकता हूँ, कोट 65 कोट 65। फिर 37 क्या लिखता हूँ, कोट 53 हो गया, कोट 53 क्या होगा, कोट 53। अब देखिए इधर 10 53 कोट 53, 10 65 कोट 65, यानी कोण तो समान है इनका, कोण क्या है समान। अब मैंने सबसे प्रथम छठी प्रणाली के अंतर्गत मैंने अनुपातल सूत्र लिखाया था, तो मैं लिखा था टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। यदि इसको पक्षांतर करें तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। तो यानी यहाँ कोण क्या है दोनों का समान, कोण क्या है समान, तो टेन इंटू कोट करें तो क्या आ जाएगा, 1। तो उसी प्रकार देखो 53 थीटा यानी क्या है समान, तो 10 इंटू कोट करें तो क्या जाएगा, 1। तो इन दोनों का आंसर कितना देगा, 1। उसी प्रकार या 65 यहाँ भी 65, 10 इंटू क्या हो गया कोट, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1। और बाकी जो बचा हमें लिख सकते हैं, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो गया, 1 अपॉन 3। दोबारा आंसर क्या हो गया इसका, 1 अपॉन 3। तो कुछ आया समझ में ऐसे इस तरह, यानी कि आपको जितने पद दे रखे उसमें से आप पहले गुण लेना है, गिनने के बाद आपको देखना है कि कोई फिक्स मान थोड़ी दिया गया है, कितने दिया गया फिक्स मान, तो फिक्स मान का तो हम पता ही हम लिख सकते हैं, लेकिन जो उठपटांग मान दिए गए हैं उसमें से कितने पद देखने हैं, उनमें से आधे पदों क्या करना हमको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से, तो हमें पता है इसमें देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5। अब विषम पद हो गया, मैंने पता है विषम पद होने पर एक पद तो आपको क्या दिया गया फिक्स, तो हमें पता कितना कोट कोस 60 यानी फिक्स हो गया, और बाकी 4 पद है क्या हुए उठपटांग, तो उन 4 पदों में से कितने पद चेंज हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे 2। तो यानी एक तो इसमें से कर लेंगे चेंज और एक इसमें से कर लेंगे, तो देखिए इधर 2 का 2। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ कोस 67 की जगह, तो मैं चुकी लगा लिख सकता हूँ इधर कोस 67 बराबर लिख सकता हूँ कोस व साइन 90 माइनस 67, तो कितना बच गया साइन 23 यानी साइन 23 किसी जगह, या तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, या इसकी जगह फिर ये लिख सकता हूँ, इन दोनों में से एक और कर लेते हैं, जैसे 10 40 तो लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 40, तो क्या जाएगा कोट 50 डिग्री, क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो मैं 10 40 की जगह ये भी लिख सकता हूँ और कोट 50 की जगह 10 40 भी लिख सकता हूँ। तो देखिए तो ये हो गया 2 है हमारे पास ऐसे कैसे इंटू में, तो ये लिख दिया मैंने कोस 67 डिग्री अपॉन, तो साइन 23 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 67 भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया ये कोस 67 डिग्री माइनस 10 40, तो कोट 50 क्या लिख सकता हूँ 10 40 कितना चीज़ क्या 40। अब देखो ये फिक्स मान है, तो हमें पता है कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए इधर 2 का तो 2 कट गया एक बार इंटू 1 आ गया माइनस, ये कट गया एक बार 1 का 1 माइनस 1/2, 2 1 कम 2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो देखिए इधर
दो में से एक गया तो एक, यानी किसका बच गया, प्लस का एक, एक में से भी आधा गया तो क्या बच गया, ओनली आधा, 1/2। बोलो क्या गया आंसर हमारा, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो हमें देखना पद देखना इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये तो हमारा क्या दे रखा है, फिक्स। देन इसका मान पता हमें, इनका मान पता नहीं क्योंकि उठपटांग मान है, तो उठपटांग में से अब देखो कितने पद हैं, ओनली 4, तो 4 में कितने पद हो जाएंगे चेंज, 2, यानी एक तो इसमें चेंज कर देंगे, एक इसमें से चेंज कर देंगे। तो देखो एक एक चेंज कर लेते हैं, पहले एक तो लिख लेता हूँ साइन 35 डिग्री, बराबर लिखता हूँ कोस 90 माइनस क्या जाएगा 35, तो क्या बच गया कोस 90 में से 35 कितने बच गए, 55। बोलो क्या बच गए, 55, यानी कोस 55 की जगह मैं 35 भी लिख सकता हूँ, और 35 से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 55 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें से ये है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए इधर जिसमें लिखते हैं यहाँ साइन 35, नीचे भी क्या जाएगा कोस 55 की जगह साइन 35, चेंज कर लिया हमने, जो गया वर्ग प्लस इधर भी कोस 55 डिग्री, तो नीचे भी क्या जाएगा कोस 55 डिग्री, स्क्वायर 2 की जगह 2, कोस 8 का मान कितना 1/2, 2 से 2 कट, बोलो क्या बच गया 1, ये कितना हो गया कट गया, 1 का वर्ग 1 प्लस यहाँ भी 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग क्या हो गया 1, इधर भी क्या हो गया 1, और माइनस का माइनस, 1 माइनस प्लस कट गया ये तो, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो दोनों कट गया, क्या बच गया आंसर, ये हो गया हमारा अगले टाइप। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद दे रखे हैं 5, हमें पता है एक तो क्या दे रखा है हमें फिक्स, 4 में से 2 चेंज हो जाएंगे, तो एक इसमें चेंज करेंगे और एक इसमें से चेंज करेंगे, तो मैं लिख चेंज कर लेते हैं पहले, तो मैं लिख देता हूँ कोस 70 डिग्री बराबर ले लिखूँ साइन 90 माइनस 70 डिग्री, तो क्या जाएगा साइन क्या बच गया 20 डिग्री, यानी साइन 20 की जगह ये लिख दो या फिर इसकी जगह ये लिख दो, ये तो क्या एक चेंज, अरे एक इसमें से कर देंगे, तो इसी में लिख दिया दूसरा कोस 59 डिग्री बराबर लिखता हूँ साइन 90 माइनस 59 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ मैं साइन क्या बच गया 31 डिग्री है, तो 31 जगह ये लिख दो या फिर इसकी जगह ये लिख दो। ठीक है, तो लिखते हैं, तो लिख दिया मैंने कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20, तो साइन 20 क्या जाएगा कोस 70 प्लस कोस 59 डिग्री, तो इसी क्या जाएगा 31 जगह कोस 59 डिग्री, माइनस 8 का 8 साइन स्क्वायर है किसका मान है 30 का, तो 1/2 का मान क्या करेंगे वर्ग, बोलो क्या कर देंगे वर्ग, कितने बार कट गया एक बार, ये भी एक बार, माइनस 8 का 8 इंटू 1/2 का क्या करेंगे वर्ग, तो 1/2 क्या हो जाएगा 4, 4 दूनी का 8, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 और 1 2 और 2 में 2 के इतना बच गया 0, तो क्या आ गया बोलो आंसर हमारा 0, ये क्या हो गया सिद्ध, क्योंकि हमें सामने भी क्या दे रखा है 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, तो क्या लिख सकते हैं हम RHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बराबर में लाना साइन थीटा और कोस थीटा, क्या करना है हमको सिद्ध, बोलो क्या करना है सिद्ध, तो देखिए इधर साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, फिर देखा कोस 90 माइनस थीटा, बोलो इसकी जगह क्या होता है साइन थीटा, बोलो इसकी जगह क्या होता है साइन थीटा, और क्या बच गया ओनली कोस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, बोलो क्या होता है कोसेक थीटा प्लस का प्लस, फिर इधर क्या है कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, और क्या बच गया साइन थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए इधर साइन साइन तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन कोसेक
थीटा प्लस, ये भी क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया साइन थीटा, क्या बच गया साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब देखिए इधर इन दोनों में, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं, कोस के बराबर क्या होता है एक बटा साइन, बोलो क्या होता है एक बटा साइन, तो ये तो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। मैं इस कोसेक की जगह यानी क्या लिखता हूँ कोसेक थीटा बराबर एक बटा क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, और सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस थीटा, इसी से क्या होगा वन अपॉन साइन थीटा, इसी से क्या होगा कोस स्क्वायर ऐसे कैसे साइन थीटा भी ऐसे कैसे, इसे क्या देगा कोस वन अपॉन कोस थीटा। अब देखो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो साइन यहाँ कितनी बार है दो बार, कितनी बार जाएगा तीन बार, तो साइन क्या हो गया क्यूब, क्या होगा साइन क्यूब, इधर क्या हो गया कोस थीटा, क्या हो गया प्लस, इधर भी क्या हो जाएगा कोस गुणा ऊपर क्या हो जाएगा कोस क्यूब हो जाएगा, तो कोस क्यूब क्या हो गया ओनली एक साइन थीटा। अब देखिए ये वाला हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है, देख लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो देखो यहाँ साइन कितनी बार है तीन बार, या कितनी बार है एक बार, तो यानी दोनों में एक बार तो मिल रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ कितनी बार है एक बार, तो एक क्या आ गया साइन थीटा, या कोस कितनी बार है एक बार, या कितनी बार है तीन बार, तो एक तो उभयनिष्ठ है दोनों में, तो एक क्या आ गया कोस थीटा, ये तो आ गया बाहर, अंदर बच गया साइन स्क्वायर प्लस, इधर क्या बच गया कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह हम एक, क्या लिख देंगे एक, तो इसकी जगह आ जाएगा एक, तो ये आ गया एक इंटू क्या करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, करने पर वो आ जाता है तो साइन थीटा कोस थीटा, अब बराबर भी हमको यही दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा, तो लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साइन तीन थीटा, बोल क्या दे रखा है साइन तीन थीटा बराबर दे रखा है कोस थीटा माइनस छः डिग्री, फिर दे रखा है कि थीटा बराबर कोई पूरक कोण है, तो यहाँ थीटा का मान ज्ञात करना कि थीटा बराबर है क्या, यहाँ क्या है थीटा बराबर है क्या, तो देखिए इधर मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे दो दो चीज़ हो गई, तो दो पद में से कितने पद चेंज करने हमको एक, तो मैं लिखता हूँ यहाँ साइन थीटा बराबर क्या लिखता हूँ कोस नब्बे माइनस थीटा, तो यहाँ साइन तो ऐसे कैसे है ही, इस थीटे से कितना है तीन थीटा, कितना है तीन थीटा कोस नब्बे माइनस तीन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो गया तीन थीटा, कितना हो गया तीन थीटा, तो यहाँ देखिए इस साइन थीटा तीन थीटा की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो देखिए तो मैं इसके क्या लिख दूँगा, ये तो लिख दिया कोस नब्बे माइनस तीन थीटा बराबर कोस थीटा माइनस छः, क्यों इसी जगह मैं ये लिख सकते हैं, तो देखिए कोस से कोस कट, क्योंकि बराबर के चिन्ह है आमने सामने है ही, इधर बच गया नब्बे माइनस तीन थीटा बराबर इधर बच गया थीटा माइनस छः, बोलो क्या करेंगे पक्षांतर, बोलो क्या करेंगे पक्षांतर, थीटा की संख्या एक साइड हो जाएगी, अंकों की संख्या एक साइड हो जाएगी, तो ये हो गया नब्बे, ये छः किसके माइनस इधर जाएगा किसके जगह प्लस के, ये थीटा ऐसे कैसे, और ये किसके माइनस इधर जाएगा किसके होगा प्लस का तीन थीटा, ये हो गया चार थीटे बराबर कितने हो गए छिन्न, कितने हो गए छिन्न में हमको निकालना है ओनली थीटा के बराबर, और किसके बराबर थीटा के बराबर, तो छिन्न में अपोन चार, चार दुनिया का तो आठ, फिर क्या एक सोलह हो गए, तो चार चौकू सोलह, बोलो थीटा बराबर क्या आ गया हमारा आंसर चौबीस, क्या आ गया आंसर चौबीस, एक टाइप ऐसी आ सकती है, ठीक है दोस्तों।